रोड ब्लॉक करने पर मजबूर करना ना फिर इन्हें कराना अगर कोई गरीबों के साथ अत्याचार बंद करो, गरीबों के ऊपर अत्याचार बंद करो, ये तानाशाही बंद करो, ये तानाशाही बंद करो, होश में आओ, म्युनिसिपल कमेटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये बताएंगे आज प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं जतिन, आपके वार्ड के स्थानीय निवासी? नमस्कार, मेरा नाम जतिन दोगरा और मैं कांग्रेस पार्टी का युवा छात्र हूं और साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूं। आज का जो हमारा प्रदर्शन का एक मेन मकसद था, आप देख रहे हैं आज बरसात का मौसम शुरू हो गया है और किस प्रकार से जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ है तो सांप कीड़े हर किसी के घर पे आ रहे हैं। आज ये हमारा ही वार्ड नंबर 4 का एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे सारे के सारे बीपीएल परिवार है, यहाँ सारे गरीब तबके के लोग रहते हैं, दिहाड़ी मजदूर रहते हैं और यहाँ पे आज से तकरीबन 6 महीने पहले ये नाला यहाँ का तोड़ा गया था और आज तक इस नाले की कोई सुध लेने नहीं आया, कोई यहाँ पे कमेटी घर का कोई नहीं आया, कोई पार्षद कोई नहीं आके ये कहा हो कि इस नाले को हम बनवाएंगे। आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले यहाँ पे एक अंकल थे बुजुर्ग, वो यहाँ पे रहते थे, उनका सामने घर है, वो उस चक्कर में वो भी उनका स्वर्गवास हो गया। क्यों? क्योंकि कितने यहाँ पे स्मेल आप देखेंगे, आप यहाँ पे खड़े नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे आपने देखा कितनी स्मेल है। अगर आप भी आए हो तो आपको भी इसका सामना करना पड़ रहा है, ऊपर से यहाँ पे जानवर पशु कितने इसके बीच में गए हैं, हमने इसको पहले भी रखा, किसी ने इसकी सुध नहीं ली। अब इसके बाहर चले जाएं, एसएसपी ऑफिस के अंदर एंटर करने वाली गली है, यहाँ पे कितने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, आपने अभी इसको कैप्चर किया। अब आप खुद बताएं, बरसात का मौसम शुरू हो गया, सरकार ये बड़े बड़े दावे करती है कि हमने गरीबों के लिए गलियां बनवाई, सड़क निर्माण किया, इतना कुछ किया, लेकिन आज यहाँ पे 5 साल होने को आए हैं, 2018 में चुनाव हुए थे, उसके बाद से इस साल चुनाव आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सुध नहीं किसी ने ली कि वार्ड नंबर 4 की गलियों का अच्छे से निर्माण हुआ हो। आज इससे पीछे चले जाए मिनर्वा पब्लिक स्कूल के पहले कि मैं आपको गली का भी यहाँ का एक जतिन ये नाला जो है ये किसने तोड़ा है? देखिए ये नाला यहाँ पे जब टूटा था तो वहाँ पे कोई इन्हीं के कोई अपने ही कोई किसी ने किसी यहाँ पे कोई आए थे लोग जिस समाज के जो साफ गलियाँ साफ करते हैं उनका ये कहना था, कमेटी के बंदे आए थे, उनका ये कहना था कि ये नाला ब्लॉक है, ये बहुत ज्यादा ब्लॉक था, लेकिन कमेटी वालों की ये नाकामी रही, वो इनको मशीन प्रोवाइड नहीं करा सके तोड़ने इसको साफ करने के लिए, जिस कारण से इनको मजबूरन ये तोड़ना पड़ा। देखिए अब किसी के घर जब पानी आ रहा हो उसकी एक मजबूरी होती है, यहाँ पे लोगों के घर कोई इतने बड़े तो है नहीं, कोई रेस यादे यहाँ लोग रहते नहीं है, दिहाड़ी मजदूर वाले हैं और उन्होंने किस प्रकार से अपना एक एक पाई जोड़कर उन्होंने अपना घर बनाया है। अब जिसके घर के अंदर पानी आ रहा है, कीड़े, अभी किसी के घर में परसों सांप आया है, अब आप खुद बताएं जब सांप कीड़े मच्छर मक्खी किसी के घर पे ऐसे जाएंगे, नाले के अंदर से बदबू आएगी, तो साफ कराना सभी की जिम्मेदारी है। सबसे पहले म्युनिसिपल कमेटी की ये जिम्मेदारी थी कि हर एक नाला
जो हमारे शहर के अंदर है, हर एक वार्ड है, 21-22 वार्ड है, हर एक वार्ड का यहाँ पे नाले साफ हो, लेकिन ये नाला साफ नहीं था, मजबूरन इसको तोड़ा गया। लेकिन तोड़ने के बाद आज हमारे म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब से भी बात हुई। अब उस समय चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया था कि हम इसको कराएंगे। अब मैं उनसे फिर एक निवेदन करूंगा कि आपका आश्वासन पे आप इस चीज को करवाएं, आप इस नाले को बनवाएं। उसके बाद जो बाकी हमारे वार्ड मेंबर थे उन्होंने भी कहा कि मैं यहाँ पे आऊंगी, लेकिन मेरे को यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई आते हुए नहीं दिखा, चाहे वो पिछली गली हो, हमारे मिनर्वा पब्लिक स्कूल के पीछे हो, वहाँ की गलियां भी बड़ी बुरी हालत में है, टूटी हुई हैं, वहाँ भी कोई नहीं आया और यहाँ भी कोई नहीं आया। इस कारण से आज मजबूर होकर हम कोई ज़्यादा कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे, करने वाले होते तो अभी मेन सड़क जाम होती, लेकिन हम चाहते थे किसी को इनकन्वीनियंस ना हो, सारे आराम से स्मूथ फंक्शनिंग चले हमारे समाज की। इस कारण से हमने अपनी समस्याओं को रखने के लिए आज मीडिया के माध्यम से इस चीज को रखा गया है कि जिस प्रकार से ये चल रही है, ये कोई आज का नहीं है, 6-7 महीने से है, तो आपको आपके माध्यम से आपको एड्रेस करने का यही मकसद था आपको एड्रेस करने का, क्योंकि मेन कृष्णा कॉलोनी की एंट्रेंस है, पूरी कॉलोनी की एंट्रेंस यहाँ से होती है, यहाँ से हर एक गली निकलती है, ये गली बिल्कुल बाहर को जाती थी, राजू स्वीट शॉप के पास निकलती थी, लेकिन आज इस समय की ये स्थिति है, यहाँ से कोई गुजर नहीं पाता। जब आप आओ इतनी गंदी बदबू का सामना करना पड़ता है तो कभी कभार तो मन खराब होता है। अब आप खुद बताएं ऐसे में कोई कैसे जिएगा। जतिन जी, जिस तरह से आपकी जो पार्षद है वार्ड नंबर 4 की भाजपा से ताल्लुक रखती हैं और 9 साल बेमिसाल जो है वो मना रहे हैं, क्या देखते हैं अपना ही वार्ड जो है इतनी खस्ता हालत उसकी है, तो बाहर जाकर गांव-गांव में जाकर 9 साल बेमिसाल का नारा देना कितना उनके लिए सक्षम है। देखिए, जो 9 साल बेमिसाल का नारा आपने कहा वो तो एक किस्म से जुमला है ना, वो एक जुमला है, 9 साल आपने किए, 9 साल बेमिसाली, 9 साल जनता का बुरा हाल, ये ऐसे इनको रखना चाहिए, क्योंकि 9 साल के अंदर किसको इस समय प्रॉब्लम नहीं हो रही है, गरीब लोग हैं, इनको कहीं राशन मिलता था, आजकल राशन की जगह भी गेहूं दे रहे हैं और वो भी बहुत कम दे रहे हैं, इन लोगों की वो कोई सुध नहीं ले रहा, ऊपर से इनकी गलियां टूटी हुई हैं वो कोई नहीं बना रहा, इनका नाला टूटा हुआ वो कोई नहीं बना रहा, इतनी बुरी हालत है, आप खुद सोच लो, उनका मेंटल फ्रस्ट्रेशन है उनकी भी, ये आज निकल रही है, फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, क्यों? क्योंकि वो सारे दुखी हैं कि किस प्रकार से ये सिचुएशन चल, अभी हंसी हमें इसलिए आ रही है कि कितने मतलब हम लोगों का मजाक बनाया जा रहा है ना, तो हम खुद भी हंस रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने इनको चुना, हम लोगों ने ऐसे पार्षद चुने, ऐसे नेता चुने कि ये हमारे काम करेंगे, क्योंकि जब 2018 में थे तो हम गर्व से कहते हैं हम लोगों ने इनको चुना था, उस समय जो हमारे यहाँ के लोकल हैं इन लोगों ने उनको चुना था, क्यों? क्योंकि वो आएंगे और हमारे यहाँ पे एक डेवलपमेंट का काम करेंगे। लेकिन जब से वो बने, मैंने उनको वार्ड के अंदर कभी लोगों के पास जाते नहीं देखा, कोई पब्लिक मीटिंग एड्रेस करते नहीं देखा कि हमने आपका ये काम कराया। अब 2023 के चुनाव आ जाएंगे पार्षद के, तो उसमें किस मुंह से वोट मांगने आएंगे। इसलिए हमारा अभी भी ये निवेदन है म्यूनसिपल कमेटी से कि विद इन अ डेज कोई 2-4 दिन के अंदर इसका काम निर्माण कार्य लग जाना चाहिए, अगर नहीं लगेगा तो मजबूर होकर कोई अलग ठोस कदम उठाया जाएगा और सड़क को ब्लॉक किया जाएगा, इससे पहले आप इस चीज को सुध ले लें। लंघने कोई और रस्ता नहीं है, इये रस्ता है, अस भाई कमेटी घर भी 2-3 बार गए, साढ़े बच्चे घोड़ा सुनाई नहीं साड़ी की, डीसी के पास भी गए उधर ही घोड़ा सुनाई नहीं की है, साड़ा इये हथ बनिया, तुम सद्या तो तुम साड़ी सुनाई कराओ। वार्ड मेंबर कुत्थे है ओहदा की पता, असि कुत्थे अपने दफ्तर हो धन्यवाद करते हैं कि जो आप आए हो। देखिए, इधर ऐसे नाला टूटता नहीं था मगर इन्होंने किसी के घर में पानी गया और उन्होंने तोड़ा, मगर तोड़ने वाले भी कमेटी वाले ही आए थे, मगर उन्होंने क्या किया कि हम बना देंगे, आप तोड़ो हम बना देंगे, वो जहाँ से सरिया भी निकाल के लेके गए, उन्होंने सरिया भी निकाल के लेके चले गए, मगर नाला साफ करने के लिए भी उनके ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नत करके नाला साफ करवाया, मगर बनाने के लिए अभी तक 6 महीने हो गए नाला तोड़े हुए, मगर अभी तक कोई नहीं आया, ऐसे नाले की बात कोई नहीं करता। अब समस्या का हल नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे? अगर समस्या का हल नहीं होगा तो हम रोड ब्लॉक करेंगे, सीधी सी बात है। अगर डीसी उनकी बिल्डिंग तोड़ सकता है तो डीसी चेंज भी कर सकते हैं, हम ऊपर तक जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक।